focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class business. Big Tech. एक ही महिला मित्र है जिसका नाम है सृष्टि गुप्ता, दो और लोगों की अरेस्टिंग हुई है, एक का नाम इमरान है, एक नफीस है, तीनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं। सृष्टि यहीं ग्रेटर नोएडा में रहती थी। जो घटना जैसे कारित हुई है, इन लोगों ने बताया है कि 10 तारीख की ये घटना थी। 10 तारीख को सृष्टि करीब 12:30 बजे जितेंद्र से मिलने आई। उसको वेपन इमरान ने प्रोवाइड किया था, इसी मंशा से आई थी कि आएगी तो घटना कारित करेगी। कुछ देर जितेंद्र के साथ बैठकर खाना वाना खाकर इवेंचुअली जब जितेंद्र का मुंह दूसरी तरफ था तो उन्होंने उसने शॉट्स फायर किए जिससे ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने बड़ा टेक्निकली वहाँ पे जो उसको लगा कि कोई मेरे लिए सबूत हो सकता है वो सब उसने उठाया, अपने बैग में डाला और वो चुपचाप वहाँ से निकल गए। दो लोगों की और इसमें द होल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट इवेंचुअली प्रकाश में, एक तो इमरान जिसने उसको वेपन भी प्रोवाइड किया था और पूरा समझाया भी था कि कब कहाँ कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ताकि आप ट्रेस ना हो पाएं। उन लोगों को अच्छे से पता था कि वो ताला लगाकर चाबी लेकर जब यहाँ से जाएंगे तो एक या दो दिन या तीन दिन उनकी तो मतलब तुरंत नहीं, अच्छे खासे समय के बाद डेड बॉडी मिलेगी जिससे भी उनको पर्याप्त समय मिल जाएगा एविडेंसेस हटाने का। इसके अलावा नफीस एक इमरान के यहाँ काम करता है, उसका काम ये था कि वो सृष्टि का फोन ले जाकर अलग अलग जगह फोन का लोकेशन ऑन रखेगा ताकि उसकी घटना स्थल से कौसो दूर उसका लोकेशन आता रहे। इन तीनों का आज अरेस्टिंग हुआ। इस जितेंद्र के और सृष्टि के अच्छे संबंध रहे होंगे तो उस समय इनका कोई क्लिप या कुछ ऐसी बात जितेंद्र के पास थी जिसको लेकर दोनों में मनमुटाव चलता था, तो सृष्टि ने कहा था कि वो क्लिप डिलीट कर दीजिए और शायद जितेंद्र नहीं कर रहे थे। इस बात को लेकर ही ये घटना कारित हुई। मैम ये जो ऊपर देखो भैया, अरे आप इधर बस करो, पीछे आ जाओ। चलो 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 चलो।